निश्चित रूप से वो जीतेंगे, और जब एक बार आ गए हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि किसी सदन के मेंबर होने की के बाद कोई इतनी आसानी से कहीं जाता है। और हम लोगों से जो बात हुई है सुमन महासेठ जी की, उनका कमिटमेंट है और वो कहते हैं कि हम कमिटमेंट के साथ रहेंगे। कि एक आदमी के बारे में ये आरोप है कि ये 6 महीना पहले हम पर पिस्तौल लेके तैयार थे हम, और एक आदमी के बारे में है जो अभी पिस्तौल लेके तैयार है हमको, तो स्वाभाविक रूप से लोगों को क्या है कि अभी हमको अपनी ये करनी है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल में जो टक्कर है वो आमने सामने की दिख रही है। एक तरफ NDA पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ INDI गठबंधन के तहत बिहार में महागठबंधन के प्रत्याशी मजबूत टक्कर देने की तैयारी में है। और इसी बीच हम बात आपको बताने जा रहे हैं आज झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में, जहां एक तरफ NDA के प्रत्याशी रामप्रीत मंडल चुनावी मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से सुमन महासेठ चुनावी मैदान में हैं। लेकिन राजद के पूर्व नेता बागी तेवर अपना लिया है और उन्होंने BSP ज्वाइन कर ली है, जिनका नाम है गुलाब यादव। क्षेत्र में काफ़ी उनकी धाक है, काफ़ी चर्चित चेहरा है, और उनके आने के बाद से झंझारपुर की मुकाबले त्रिकोणीय हो गए हैं, यानी कि अब पूरी तरीके से 3 तरफा मामला चल रहा है। लेकिन जनता किन पर विश्वास करेगी ये तो मतदान और परिणाम के बाद चलेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि तैयारी जबरदस्त है। और इसी बीच कांग्रेस के नेता शकील अहमद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, कहीं कोई राग लपेटे की बात नहीं है, पूरी मजबूती के साथ सुमन महासेठ जीत रहे हैं। जरा सुनिए शकील अहमद को। अच्छा होती है, अपेक्षा होती है, कोई व्यक्तिगत रूप से करता है वो, लेकिन जनता जो अभी जो इलेक्शन है वो 2 धारा में बटा हुआ है, इसलिए हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट रूप से साफ है कि 2 धाराओं का चुनाव है। आपको चुनना है आम लोगों को कि आप कौन धारा चुनेंगे, मेल मोहब्बत प्रेम कराने वाली धारा चुनेंगे या दंगा फसाद कराने वाली धारा चुनेंगे, ये जनता पर निर्भर करता है। कई कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी वायनाड से लड़ सकती हैं, 2 सीट पर अगर राहुल गांधी लड़ते हैं तो 1 सीट पे फिर चुनाव के बाद इस्तीफा देंगे, उपचुनाव में प्रियंका गांधी लड़ेंगे। देखिए, राजनीति में चुनाव के समय में इस दल से उस दल से, ये परंपरा किसी एक दल की नहीं है। हमने अभी एक जगह कहा है कि एक आदमी के बारे में ये आरोप है कि ये 6 महीना पहले हम पर पिस्तौल लेके तैयार थे हम, और एक आदमी के बारे में है जो अभी पिस्तौल लेके तैयार है हमको, तो स्वाभाविक रूप से लोगों को क्या है कि अभी हमको अपनी ये करनी है, अभी जो हमारे सामने ये है। और इलेक्शन में हमारे पार्टी में थे अशोक चौहान जी, प्रधानमंत्री का भाषण है कि उन्होंने आदर्श घोटाले में उनका नाम लिया, और उन्होंने जैसे BJP छोड़ के कांग्रेस छोड़ के BJP ज्वाइन किया, उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया। अभी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मुख्यमंत्री माने जा रहे हैं असम वाले हेमंत बिस्व शर्मा, हमारी पार्टी में थे और उनको ले जाके उन्होंने, तो चुनाव के समय में ही गए, तो चुनाव के समय में इस पार्टी से उस पार्टी में। लेकिन अगर आपने आज कह दिया कि हम अब इस नीति को नहीं मानते हैं, हम इस नीति पे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आज की तारीख महासेठ जी हमारी नीतियों को मान रहे हैं, हमारे गठबंधन की नीतियों को मान रहे हैं, इसलिए सारे साथी जो नीतियों पर विश्वास करते हैं वो उनको क्या लग रहा है, जीत करके बीजेपी के साथ वो नहीं जाएंगे? जाना नहीं चाहिए, आमतौर पर इलेक्शन के समय में जाता है। और दूसरी बात ये कि निश्चित रूप से वो जीतेंगे, और जब एक बार आ गए हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि किसी सदन के मेंबर होने की के बाद कोई इतनी आसानी से कहीं जाता है। और हम लोगों से जो बात हुई है सुमन महासेठ जी की, उनका कमिटमेंट है और वो कहते हैं कि हम कमिटमेंट के साथ रहेंगे। देखिए, बोलने के लिए तो किसी आम आदमी को रोक नहीं है, वो तो प्रधानमंत्री हैं, उनके यहाँ तो कोई CB या CID या ID भेज नहीं सकता है प्रधानमंत्री जी के यहाँ। रायबरेली से लड़के राहुल गांधी जी अपनी खानदानी सीट पे गए हैं, उनकी माँ भी वहीं से MP होती थी, उनकी दादी इंदिरा गांधी वहाँ से लड़के प्रधानमंत्री होती थी, तो जो अगर अपने एक तरह से पुश्तैनी ज़मीन पर गया, ये भी ठीक है कि अमेठी से संजय गांधी जी जीते थे, राजीव गांधी जी जीते थे, राहुल गांधी जी जीते थे, लेकिन
मैं समझता हूँ समाचार के लिए राहुल गांधी जी का रायबरेली से लड़ना उतना बड़ा समाचार नहीं है जितना बड़ा समाचार है कि उन्होंने अपनी अमेठी की सीट कांग्रेस के एक मजबूत कार्यकर्ता को दिया है के एल शर्मा जी को, बिहार के भी हमारे वो सह प्रभारी थे, जो पिछले 20-25 सालों से लगे हुए थे उसी अमेठी और रायबरेली में काम करने के लिए। मैं साधुवाद देता हूँ राहुल गांधी जी को और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब को कि उन्होंने अमेठी की सीट, ठीक है राहुल गांधी जी लड़ते तो वहाँ से एमपी रहे हैं, संजय गांधी जी रहे हैं, लेकिन रायबरेली से भी इंदिरा जी रही हैं, उनकी दादी रही हैं वहाँ से, इसलिए भागने की बात, अगर भागने की बात ही है तो नरेंद्र मोदी जी कहाँ से कहाँ भाग के गए। उनके जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो हिमाचल से न एमपी में लोकसभा में लड़े, वो भाग के चले गए हैं गुजरात या राजस्थान कहीं जाके दूसरे जगह से वो राज्यसभा के हुए, तो अपना घर नजर नहीं आता। तो अभी आपने कांग्रेस नेता शकील अहमद को सुना है, उनका साफ साफ कहना है कि सुमन महासेठ जो है झंझारपुर लोकसभा से इस बार जीतने में सफल रहेंगे। वहीं गुलाब यादव के सवाल पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं राजनीति में नई बात नहीं है, चुनाव के समय में इधर से उधर आते जाते रहते हैं। बताते चले आपको, गुलाब यादव कुछ दिन पहले तक राजद में ही थे, लेकिन जब उन्हें झंझारपुर से टिकट नहीं मिली तो वो BSP ज्वाइन किए, यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी, और अब जो है वही महागठबंधन के प्रत्याशी के लिए खतरा बनते हुए नजर आ रहे हैं। उस पर भी शकील अहमद का साफ साफ कहना है कि जनता का मिजाज पूरी तरीके से महागठबंधन की तरफ से। इसके अलावा सुमन कुमार के फिर से पाला बदलने के लिए, पार्टी बदलने के लिए, क्योंकि सुमन कुमार महासेठ जो हैं पूर्व में भाजपा में रहे हैं और उनका जो राजनीतिक छवि है वो भाजपा में रहा है, तो लगातार ये भी सवाल उठ रहे हैं क्षेत्र में, क्या अगर लोग वोट देते हैं तो क्या जीतने के बाद गारंटी है कि ये मुकेश सहनी की पार्टी के साथ रहेंगे, ये भी सवाल है। उस पर भी शकील अहमद का बयान आया है। आप अपनी प्रतिक्रिया क्या रखते हैं झंझारपुर को लेकर, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आपका शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।